आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चावल से बहुत ही अलग, बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। और यकीन मानिए, इसको देखने के बाद आप जानबूझकर चावल बचाना चाहेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे बचे हुए चावल और अब हम इनको एक जार में पीस लेंगे। जरूरत के हिसाब से हम इसमें 1 या 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसको पीस लिया है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी और अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया है और अब हम 10 मिनट के लिए इनको ढककर रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मैश करके हम इसमें ऐड करेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। अब मैदे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैदा ऐड करने के बाद कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और अब हम हाथों से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और अब एक चीज का पीस हम इसके सेंटर में रखते हुए इसको अच्छे से हर तरफ से बंद कर लेंगे। और अब हम इनको एक बॉल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने इनकी बॉल्स बना ली हैं। चलिए अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ये एक साइड से फ्राई होने लगेंगे, हम इनको पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इनको हम एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो सारी बॉल्स हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। चलिए अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो बचे हुए चावल की ये रेसिपी बहुत ही अलग है, बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखें। मैं इसको आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए, जो चीज हमने इसके अंदर प्लेस की थी कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।